इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत मकदम है। अहम मौजू और अहम खबर पर एक नजर। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बार फिर देश में माहौल बनाने की बात कही जा रही है। एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर शोर शुमार का इजहार किया जा रहा है, वही मोदी हुकूमत इसकी सच्चाई को साबित करने के लिए फोन की कॉलर ट्यून भी इसी से शुरू की जाती है कि आप कोरोना वैक्सीन पर शक न कीजिए। पूरी रियासतों में वहां की जवानों में समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश की जा रही है। इस कॉलर ट्यून को लेकर आवाम में भी खासी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। मोदी हुकूमत ने तमाम विपक्ष यानी मुखालिफ पार्टियों को कहा कि मोदी हुकूमत के हर फैसले पर सवाल न किया जाए। वही दूसरी ओर कहा जा रहा है कि आप काम ही कुछ ऐसे करते हैं जिससे शक पैदा लाजमी हो जाता है। पहले वैक्सीन को लेकर यह कहा गया कि किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, जो भी इसे लगवाना चाहता है खुशी या मर्जी से लगवाए। जाहिर है वैक्सीन को बड़े ही धूमधाम से लाया गया, बेलगामी में बड़े बैंड बाजे के साथ लाया गया और पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स, फिर सेहत महकमा, सफाई मुलाजमीन की फहरिस्त बनाई गई। पर पता नहीं लोगों को शक हुआ और यह भी बात सामने आई कि इसे लगवाने से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और उससे जाहिर भी हो रहे हैं। कुछ खवातीन जो सफाई महकमा की है, गश खाकर गिर भी गई, सर चकराना, बुखार वगैरह की बात वैसे भी कही गई थी। इसके आगे कुछ लोगों की मौत की भी खबर आई, पर सेहत महकमा की तरफ से सफाई दी गई कि इन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाने से मौत नहीं हुई। एक बार फिर कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर महाराष्ट्र में लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है। इस पर भी कुछ लोग एतराज कर रहे हैं कि वैक्सीन को लाजिम करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है, सवाल भी किया जा रहा है। वैसे सबसे पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह भाजपा की सियासी वैक्सीन है जो सिर्फ चुनाव के वक्त ही लगवाने के लिए कहा जाएगा? आज की इस वैक्सीन पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और हुकूमत बार बार अपना मौकूफ क्यों बदलती रहती है? अक्सर मोदी हुकूमत के फैसलों पर शक करने की वजह भी यह है कि पुलवामा हमला हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, रफाइल हो, जब से मोदी वजीर आजम बने हैं हर चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहते हैं। यहां तक कि इसरो का सैटेलाइट लॉन्च भी हो जाता है तो वहां फौरन पहुंच जाते हैं। कोरोना वैक्सीन के यहां साइंटिस्ट बनकर पहुंच जाते हैं। अब तो खैर कोरोना की वजह से मुल्क में रुके हुए, वरना यही फॉरेन मिनिस्टर के ही खिदमत को अंजाम देते रहते। बॉर्डर पर पहुंचकर डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। जाहिर है शक होना लाजमी होता है क्योंकि किसी भी जगह पर बिना वजह नहीं पहुंचते। अब आवाम इस वैक्सीन पर क्या सवाल कर रही है? ऐसा नहीं कि कोरोना आलमी वबा को सरे से नकारा जा रहा है। खैर कुछ ने तो इसे सरे से नकारते हुए ये भी कहा कि ये तो एक मामूली फ्लू है और इसे आलमी साजिश के तहत चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। कोरोना है पर इतना खतरनाक नहीं है जितना इसे पेश किया जा रहा है। रामदेव बाबा जैसे कारोबारी इसमें भी अपना फायदा हासिल करने लोगों के सामने कोरोनिल लेकर पहुंचे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनके दावे को रद्द कर दिया, जबकि गोदी मीडिया के जरिए बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को WHO की हिमायत हासिल होने की बात कही जा रही थी। कहने का मतलब हर कोई अपने हिसाब से कयास आरायियां कर रहा है। इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर भी देखा जा रहा है जिसका हिस्सा भारत भी होने की बात कही जा रही है। अब सेहत महकमा ने यह ऐलान किया है कि आने वाले मार्च से 45 उम्र से लेकर सभी को वैक्सीन लगाया जाएगा। पहले और अब किस तरह से फैसले बदल दिए जा रहे हैं? अगर वाकई इतना जरूरी है तो RSS के सभी कर्मकुनाल, भाजपा के सभी मेंबर और मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, वजीर सेहत हर्षवर्धन का टीकाकरण पहले किया जाए, ऐसा भी आवाम का कहना है, क्योंकि इनके वैक्सीन लेने से आवाम को भरोसा भी हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन कराया जा रहा है जिसका असर आने वाले 20 सालों में नजर आएगा। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 20 सालों में भारत के 20 करोड़ लोग घट जाएंगे। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ देशों की आबादी घटेगी, लेकिन इसकी वजह वैक्सीन होगी ये नहीं कहा गया। पर कुछ लोगों को शक है, ताली थाली घंटा दिए जलाने से कोरोना भगाया जा रहा था। गो कोरोना गो का नारा भी बुलंद किया गया था। गोबर मूत्र से बड़ी बड़ी बीमारियां भागने का दावा करने वाली भाजपा ही अब साइंटिस्ट बनकर वैक्सीन की फजीलत भी समझाने लगी है। कोवैक्स और कोवैक्सीन दोनों एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत बायोटेक ने कहा है कि हमने 200% भरोसे के साथ इस वैक्सीन को बनाया है, पर कुछ लोगों ने तो इसे पानी की तरह बताया, इसे हम मानते नहीं। आवाम जो सवाल उठा रहे हैं कुछ हद तक ये भी सही है कि अगर इतना जरूरी है तो फौज, पुलिस,
सरकारी अफसर इन्हें पहले दी जाए, आवाम के पीछे क्यों पड़े। वही किसान आंदोलन पर वैक्सीन के जरिए रोक लगाने की बात कही जा रही है। इससे पहले शाहीन बाग के एहतजाज को इसी कोरोना के आड़ में बंद किया गया था। जाहिर है किसान आंदोलन देश भर में फैल रहा है, किसान एहतजाज से हटने को तैयार नहीं, उधर सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं। बिल्कुल रद्द न करने की बात मोदी हुकूमत कर रही है, तो किसान बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं की बात किसान कर रहे हैं। आप पहले से ही अमीरों के साथ सौदेबाजी की भी बात की जा रही है। अगर बिल पीछे लिया जाए तो अडानी अंबानी और इसके पीछे आलमी ताकतें और इसराइल के होने का शक जाहिर किया जा रहा है, तो मोदी हुकूमत के लिए बिल वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही। तो जाहिर है किसान आंदोलन को क्या कोरोना वैक्सीन या फिर देश भर में मरीजों की तादाद का बहाना बनाकर हटाया जाएगा, इस सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लिहाजा कोरोना को लेकर फिर विपक्ष और दिगर पार्टियां सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई आने वाले दिनों में सभी को वैक्सीन जबरदस्ती दी जाएगी जो किसी और के इशारे पर हो, जो भी हो ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। अहम खबर पर एक नजर। आज अंजुमन हॉल में बेलगाम शहर के तमाम जमातों को कोरोना के मद्देनजर बुलाया गया, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के ऐलान और दूसरी लहर के इम्कान पर तबादला ख्याल किया गया। आज के इस इजलास की सदारत साबिक एमएलए जनाब फिरोज सेठ ने फरमाई। स्टेज पर जनाब फिरोज सेठ, सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ, डॉक्टर हाफिज और तमाम चेयर के उनकराम मौजूद थे। इजलास की निजामत अब्दुल गफूर घीवाले साहब ने की। मौजूदा हालात, कोरोना वक्त के हालात और आने वाले हालात पर तमाम उलमा इकराम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। जनाब फिरोज सेठ ने बेहतरीन तकरीर से तमाम सामईन को मुतासिर किया, तो जनाब आसिफ राजू सेठ ने कोरोना के वक्त अंजुमन के खदमात बड़े ही जज्बाती तौर पर पेश किया। मौलाना सलीम, मुफ्ती मंजूर, मौलाना साजिद, जनाब मुश्ताक अशरफी, मौलाना आसिफ, मुफ्ती कासिम, मौलाना नजीरुल्लाह और दीगर दीनी रहनुमाओं ने अपने ख्याल का इजहार किया। तकरीबन 100 से ज्यादा जमातों के जिम्मेदारान ने इस इजलास में शिरकत फरमाई। बेलगाम शहर में अकलियती कमीशन के चेयरमैन जनाब अब्दुल अजीम की आमद हुई। शहर के अकलियती समाज के मुख्तलिफ मसाइल पर सर्किट हाउस में तबादला ख्याल किया गया। शहर के अहम जिम्मेदारों ने अपने सवाल भी रखे, जिस पर अकलियती कमीशन के रियासती चेयरमैन जनाब अब्दुल अजीम ने तमाम मसाइल को हल करने का वादा किया। खास तौर से जनाब मुश्ताक हुसैन फारूकी, सी के नजीर, अब्दुल गफूर की वाले एडवोकेट मुल्ला और दिगर लोगों ने अपनी बात रखे। खासकर जैतुलमान की मस्जिद जहाँ पर महज 35 मकान है और कच्ची मस्जिद है जहाँ पर इबादत की जाती है, पर शर पसंद मनासिर हमेशा शर करते रहते हैं। पिछले रमजान में यहाँ मुस्तकिल नमाज अदा की जा रही थी पर इसे रोका गया, लिहाजा इस पर तवज्जो की बात कही गई। अब्दुल अजीम ने मामले में खास तवज्जो का भरोसा भी जमात वालों को दिलाया। इस वक्त रियासत की अकलियती कमेटी के चेयरमैन जनाब मुख्तार खान पठान ने यद्यपि हुकूमत ने अकलियतों के लिए स्कीमों योजनाओं के तफसीलात पेश किए। इस वक्त अकलियती मोर्चा के शहर सदर जनाब रवी नूर भी मौजूद थे। बेलगाम लोकसभा चुनाव का ऐलान कल यानी जुमेरात को होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बेलगाम के साथ मस्की और बसो कल्याण के भी चुनाव होने हैं। बेलगाम को लेकर काफी दिलचस्प मुकाबला होने की बात कही जा रही है। खासकर सतीश जारकीहोली को कांग्रेस से टिकट दिया जाता है तो दो भाइयों की जुगलबंदी पर पूरे रियासत की नजर होगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब देखना है कि कल ऐलान के बाद ही उम्मीदवारों के नाम के भी फैसले लिए जाएंगे। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से यूपी पुलिस की जानिब से बेजा गिरफ्तारियों की मुखालफत करते हुए एहतजाज फरमाया गया। दोपहर आजमनगर सर्कल पर पीएफआई के कारकुनान ने एहतजाज दर्ज करते हुए यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी फरमाई। मुल्क भर में पॉपुलर फ्रंट को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा भी इनका इल्जाम था। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे। शुक्रिया।